नमस्कार दोस्तों, योग आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करता हूं। तो जैसे कि बारिश का मौसम चल रहा है और हमारे घरों में मकड़ियां छत्ता या जाला बना लेती हैं और काफ़ी बुरे लगते हैं, अब उनको साफ़ करते हैं, उनको भगाते हैं, तो ऐसे में कहीं मकड़ी हमारे शरीर पर गिर जाती है या मसल जाती है तो हमारे शरीर पर कहीं उसके फफोले पड़ जाते हैं और उन फफोलों में एक तरल सा पदार्थ निकलता है और वो पदार्थ जहाँ भी पड़ता है वहाँ भी फफोले कर देता है और वो इतना तेज़ होता है कि हमारी स्किन तक जल जाती है। जो उन फफोलों में से जो लिक्विड निकलता है वो एक एसिड के समान होता है, जहाँ भी पड़ जाए वहाँ उसको जलन या दहा या फफोला उत्पन्न कर देता है। तो इस मकड़ी को अगर हमारे शरीर पर कहीं भी मसल जाती है तो उसको दूर करने के लिए मैं एक बहुत ही अच्छा और या घरेलू उपचार बताने वाला हूँ, जो आप फ्री में बिल्कुल कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। मकड़ी के मसल जाने पर हमारे शरीर पर फफोले पड़ जाते हैं, फफोले पड़ने पर जलन दहा भी होती है और उनमें निशान भी पड़ जाते हैं जो बहुत ही बुरे लगते हैं। तो ऐसे में हमारे जो घर में ही इसका उपचार है, तो हमारे घर में आपने देखा होगा गांव के लोग आज भी इसका प्रयोग करते हैं कि जो एक ततैया होती है लाल रंग की, वो मिट्टी का घर बनाती है। आप देख लें कुछ इस प्रकार हर घर में आपको देखने को मिल जाता है, ये लकड़ी पे लकड़ी या मकानों दीवारों पे हर जगह बना लेती है और इसकी मिट्टी का जो घर बनाती है उस मिट्टी में अंदर से आप फोड़ेंगे तो उसमें कीड़े भी निकलते हैं। तो आप इस मिट्टी का प्रयोग करना है और इसकी मिट्टी साफ़ करके आप घर में भी रख सकते हैं और डायरेक्ट ला के कहीं आपके अगल बगल में ये मिल जाती है तो आप डायरेक्ट लाएं और इसको बारीक पाउडर बना लें और थोड़ा सा इसमें पानी मिक्स कर लें और एक पेस्ट बना लें और उस पेस्ट को आप लगाते हैं। तो लगाते ही कुछ घंटों के बाद आप देखेंगे कि आपके जो मकड़ी से मसलने से जो फफोले पड़े थे, जलन हुई थी, वो तुरंत शांत हो जाती है और इसका प्रयोग आप 2 से 3 दिन मात्र करेंगे तो आप देखेंगे कि मकड़ी के फफोले भी ख़त्म हो जाते हैं, जलन भी शांत हो जाती है और निशान भी नहीं पड़ते हैं। और जिन लोगों को हार्पिस बीमारी हो जाती है जो मकड़ी की तरह ही दिखते हैं, तो उस बीमारी में भी काफ़ी जलन होती है, शरीर में टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उस बीमारी में भी आप इस मिट्टी का प्रयोग उन छालों या फोपलों पर कर सकते हैं। तो आप इस मिट्टी को फेंकें ना, इसको सुरक्षित घर में रखें, साफ़ करके रखें, जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग 100% सही है, हमने काफ़ी लोगों पे इसका प्रयोग किया है, आप भी इसका कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है और आप इसका प्रयोग करके देखें। और जो भाई जिन भाइयों ने इसका प्रयोग किया है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं ताकि हम आगे लोगों को बताएं कि इसका आप प्रयोग करें। और ये फ्री की चीज़ है, हमें कहीं जाना भी नहीं है, हमें घर में ही मिल जाती है। तो आप इस ततैया के घर का या इसकी मिट्टी का प्रयोग करके इन जलन दहा या फफोलों को दूर कर सकते हैं। आपको इस ततैया के मिट्टी की जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने मित्रों को इसको शेयर करें, अपने पड़ोस में शेयर करें और जो लोग इससे पीड़ित हैं मकड़ी के फफोलों से उनको आप शेयर करें और हमारे वीडियो को शेयर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम कल फिर मिलेंगे एक नए उपचार या एक नई औषधीय गुणों के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।